व्हाट्सअप गाइज, वेलकम यू टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग करने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में उसके लिंक्स दे दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो पहले जाके वो दो पार्ट्स देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। इफ यू लुक एट व्हाट वी आर गोना बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास, वी आर गोना टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंडिया के अंदर कौन से एग्रीकल्चरल सीजन है, विच इज खरीफ, रबी एंड जैद। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जितने भी टाइप के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एंड थर्ड चीज हम लोग देखेंगे कि हमारे जो दो स्टेपल क्रॉप्स है, विच इज व्हीट एंड राइस, उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर रिमाइंडर। हमारे जब आप वीडियोस देख रहे हो, प्लीज एक नोटबुक साइड में रखो और उस नोटबुक के अंदर सारे के सारे जो चीजें आप स्लाइड पे देख रहे हो उसको नोट डाउन करो। आपकी हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीजें आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से रिटेन होंगी और जब आप उसको रिविजन करते वक्त यूज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद आएंगी। मेरे वीडियोज आपके पास हमेशा रेफरेंस के लिए रहेंगे, बट आपके द्वारा लिखी गई नोट्स अपने हैंडराइटिंग में आपको हमेशा हमेशा काम आएंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोज आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा रेशियो जो है सब्सक्राइबर्स का वो बहुत बुरा है। वीडियोस आप देखते रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको ये व्हाट्सएप पे भी मिल रहा है तो प्लीज एक बार जाके यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट मोटिवेट्स अस, इट मेक्स अस फील गुड, इट मेक्स अस फील बेटर। लेट्स कम टू बिजनेस। हम लोग सबसे पहले देखने वाले एग्रीकल्चर सीजन के बारे में। सो ब्रॉडली हमारे कंट्री के अंदर जो 12 महीने हैं उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इनटू 3 डिफरेंट सीजन, विच इज खरीफ, रबी एंड जैद। अभी जो खरीफ क्रॉप्स है, ये जो सीजन है इसको हम लोग मॉनसून सीजन भी बोलते हैं। इसका रीजन क्या है, जब भी हम लोग ये तीनों के नाम दिख रहे हैं ना, खरीफ, रबी एंड जैद, उसके नीचे हमने लिखा है कि खरीफ को मॉनसून क्रॉप्स बोला जाता है, रबी को विंटर क्रॉप्स बोला जाता है, जैद को समर क्रॉप्स बोला जाता है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, ये वो सीजन है जब हम लोग हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर उसके जो क्रॉप के जो बीज होते हैं ना उसको हम लोग बो रहे हैं। वी आर सोइंग दो सीड्स इन आर एग्रीकल्चरल फार्म। उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग कंसिडर करते हुए इन सीजन्स का नाम दे रहे हैं, राइट। सो इफ यू लुक एट द खरीफ सीजन, यहाँ पे जो सोइंग ऑफ सीड्स होता है वो जून जुलाई के मंथ में होता है और पूरा का पूरा क्रॉप हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, राइट। इन द केस ऑफ रबी, वी सो द सीड्स इन द विंटर मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर, जबकि उसका हार्वेस्टिंग होता है इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। वेयरएज इन दोनों पीरियड्स के बीच में, जो रबी एंड खरीफ के बीच का जो पीरियड है, जो छोटा सा टाइम गैप है, उसके अंदर हम लोग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग दोनों कर लेते हैं जैद क्रॉप्स के लिए, राइट। नाउ अगर ये 3 क्रॉपिंग सीजन हम लोगों ने समझ लिए तो उसमें कौन से टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो भी हमें याद करने पड़ेंगे। तो आपके मेमोरी टेक्निक के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक ट्रिक यूज किया है। इफ यू टॉक अबाउट खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स आप याद कर लोगे बाय रिमेंबरिंग द वर्ड मारुति, राइट। मारुति और BMW, ये आपको मेमोरी में याद करने में आसान हो जाएगा। सो इफ यू टॉक अबाउट मारुति, मारुति का फुल फॉर्म क्या है, सो MA स्टैंड्स फॉर मेज इन मिलेट्स, R stands for rice. Rice जो है, आप एक चीज समझ लो कि राइस एक फिनिश प्रोडक्ट है। जो एक्चुअल आउटपुट निकलता है फार्म से उसको हम लोग पैडी बोलते हैं, उसका प्रोसेसिंग होता है और उसमें से राइस निकलता है। तो ऑल्दो हम पैडी और राइस को सिनोनिमसली यूज करते हैं, बट आपको ये चीज समझना जरूरी है कि जो क्रॉप होता है, क्रॉप का नाम पैडी है, पैडी का प्रोसेसिंग करने के बाद वो राइस बनता है, ठीक है। यू स्टैंड फॉर उरद एंड TI इज फॉर तिल। तो ये सारे के सारे क्रॉप्स आपके कौन से सीजन में ग्रो होते हैं, दे ग्रो इन द मॉनसून सीजन, विच इज ऑल्सो टेक्निकली कॉल्ड द खरीफ सीजन। इफ यू लुक एट द रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स का मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म रखा है, BMW, विच रेफर्स टू बार्ली, मस्टर्ड एंड वीट। एंड जब जैद क्रॉप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर इस छोटे से सीजन के अंदर हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब जब आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहां पे आपको कुछ क्रॉप्स के नाम भी दिखेंगे, बट इट इज बेटर फॉर अस टू इग्नोर देम फॉर अ वाइल, वरना आपके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत बनेगा। सो अब जैद क्रॉप्स में आप ज्यादातर क्या याद रखोगे, यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा ग्रो होते हैं। फिर आप एग्जाम्पल्स लिख दो, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूक्यूम्बर, पोटेटो वगैरह, राइट। आई होप ये एग्रीकल्चरल सीजन वाला जो छोटा सा टॉपिक है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोना लुक एट इज हमारे कंट्री के अंदर कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे है, किस तरीके के क्रॉप्स का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, राइट। आपके टेक्स्ट बुक में भी ब्लू कलर का एक बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे टेबल्स और बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, बट सारे टेबल्स का डिस्क्रिप्शन, उसमें जितनी भी लिस्ट दी है वो सबका डिस्क्रिप्शन तो अपने टेक्स्ट बुक में है नहीं। तो मैंने क्या किया, जो जो डिस्क्रिप्शन हमारे टेक्स्ट बुक में है, जिन जिन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, उसको वापस सही से क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो आपको जो ये डार्क येलो वाले जो डब्बे दिख रहे हैं वो टोटल आपके पास है 5। सबसे पहला कैटेगरी जो हमें देखना है वो है फूड क्रॉप्स का। फूड क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं, वो क्रॉप्स जिनको ग्रो करके हम अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, हमारा पेट भरने के लिए जो हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो वाली चीजें हैं, राइट।
इस फूड क्रॉप्स को मैंने डिवाइड किया इनटू थ्री कैटेगरीज। सबसे पहला स्टेपल फूड क्रॉप्स। स्टेपल फूड क्रॉप्स मतलब क्या? कॉमनली कंज्यूम फूड क्रॉप्स जो हमारे पूरे कंट्री में ज्यादातर लोग कंज्यूम करते हैं, राइट? जो है व्हीट एंड राइस, विच इज पैडी एंड व्हीट। दूसरा हम लोगों ने देखा है कि कोर्स ग्रेन्स। अब जरूरी नहीं, जब वी टॉक अबाउट द स्टेपल फूड क्रॉप्स, नो स्टेपल फूड क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस, दे आर कंसिडर्ड टू बी स्लाइटली कॉस्टलियर अगर हम लोग पूरे कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस देखे तो। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब घरों में हैं, जो लोग लेबरर्स की तरह काम करते हैं, उन लोगों के लिए व्हीट ए क्रॉप को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दे वुड प्रिफर टू कंज्यूम कोर्सर ग्रेन्स विच आर चीपर टू बाय एंड ईजियर टू मेंटेन एंड ग्रो। एज ए रिजल्ट हम लोग स्टेपल फूड्स के बाद उससे थोड़ा सा इन्फीरियर कैटेगरी ऑफ ग्रेन्स के बारे में देखेंगे, विच आर कॉल्ड कोर्स ग्रेन्स, जहां पे हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर हमें ज्वार, मिलेट एंड मेज के बारे में बताया है। एंड द लास्ट कैटेगरी ओवर देयर इज पल्सेस। पल्सेस आपके टेबल में जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसने अलग से टेबल में बना के रखा हुआ है, बट मैंने उसको फूड क्रॉप में ही यहाँ पे कंबाइन कर दिया, क्योंकि पल्सेस को भी हम कंज्यूम करते हैं। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अ वेजिटेरियन डाइट, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑयल सीड्स, जहां पर हम लोग ग्राउंड नट, सेसमे, मस्टर्ड, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल के बारे में जानने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि यार कोकोनट तो सीड नहीं है, तो बिकॉज उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, वो एक प्लांटेशन क्रॉप है, कोकोनट एक प्लांटेशन क्रॉप है, बट जस्ट बिकॉज उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, इस वजह से हमने उसको यहाँ पे कैटेगराइज कर लिया, और वही चीज आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कोकोनट किसी सीड में से निकलता नहीं है, कोकोनट एक प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप के फ्रूट में से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इस वजह से हमने उसको यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है, ओके? उसके नीचे आ जाते हम लोग बेवरेज क्रॉप्स के ऊपर। बेवरेज क्रॉप्स का मीनिंग क्या है? वो चीजें जिन क्रॉप्स को यूज किया जाता है एज ड्रिंक्स। तो हम लोग टी, कॉफी एंड कोकोआ जो हम लोग देखते हैं, ये तीन कैटेगरी है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी लुक एट कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम लोगों ने क्यों ग्रो किया है, क्योंकि अपने को पैसा चाहिए, उसको सेल करके हम लोग मार्केट में से प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, दोज क्रॉप्स आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। जैसे शुगर केन, टोबैको, रबर, कॉटन, जूट, इन सब के बारे में भी डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एंड अदर चीजें अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज मेन थिंग्स, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, हॉर्टिकल्चर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं हम लोग, राइट? एंड लास्ट में हमारे पास बहुत सारी टाइप की ग्रास है, जिसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? अभी मुद्दा आ जाता है वापस, अगेन वी आर लुकिंग एट आर स्टेपल ग्रेन्स, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे स्टडी करने वाले हैं। बट उसके पहले आपको एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ने एक छोटी सी लाइन दी है जो फूड ग्रेन्स के बारे में बताई गई है। तो जो फूड क्रॉप्स की बात करते हैं ना, तो हमारे कंट्री के अंदर जब जो ग्रेन प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग स्टेपल एंड कोर्स क्रॉप्स, वो लैंड एरिया जो है, टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन जो है, जहां पे खेत उगाए गए हैं, उसके 75% खेतों में हम लोग ग्रेन्स ग्रो करते हैं, बट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओवरऑल एग्रो आउटपुट सिर्फ 50% है। अब आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों? ज्यादातर जो ग्रेन्स होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? कंजम्पशन के लिए। अब हमारे जो फार्मर्स हैं, बहुत से फार्मर्स ऐसे भी हैं जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, जो हम लोगों ने आगे पढ़ा, राइट? तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैसा फार्मिंग है? जहां पे आप जो चीज ग्रो करते हो वो खुद का पेट भरने के लिए ग्रो कर रहे हो। तो वो जब फार्मर लैंड यूटिलाइज कर रहा है, उसमें से जो आउटपुट आ रहा है, उसमें खुद का ग्रो करने के बाद, खुद का पेट भरने के बाद जो एक्स्ट्रा सरप्लस बच जाता है, वही मार्केट तक पहुंचता है। तो एज ए रिजल्ट हम लोगों को यहाँ देखने मिलेगा कि काफी ज्यादा लैंड यूटिलाइज हो रहा है, बट उसका आउटपुट मार्केट में बहुत नहीं पहुंच रहा, एंड एज ए रिजल्ट हमारा आउटपुट इज लेस एंड लैंड एरिया यूटिलाइजेशन इज मोर, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू आवर मेन पॉइंट, विच इज पैडी। अब पैडी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इज अ क्रॉप जिसमें से हम राइस प्रोसेसिंग करते हैं। नाउ पैडी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे पूरे पॉपुलेशन में मोर देन 50% ऑफ आर पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दिस क्रॉप, राइट? इंडिया जो है इसका सेकेंड रैंक आता है इन द वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पे हम लोग सेकेंड रैंक पे आते हैं इन राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना, राइट? और ये क्रॉप हमारे लिए इतना जरूरी इस वजह से है क्योंकि हमारे जितने भी फील्ड्स है, जितना भी कल्टीवेशन हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें से 1/4 जो हमारे फील्ड्स हैं उसमें पैडी ग्रो हो रहा है, राइस ग्रो हो रहा है, ठीक है? तो ये तो थी उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें। अब अगर कोई भी क्रॉप ग्रो होता है तो उसकी ग्रोथ की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम लोग क्रॉपिंग रिक्वायरमेंट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला बोला गया कि ये क्रॉप कैसा है, ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप मतलब कौन सा क्रॉप? जो मानसून सीजन में ग्रो होता है, राइट? तो एक मानसूनल क्रॉप है जो टॉरिड जोन में ज्यादातर ग्रो होता है, तो इसको पानी भी ज्यादा चाहिए और इसको क्लाइमेट भी थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, राइट? टॉरिड मतलब क्या? जो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पोर्शन है, ट्रॉपिक और इक्वेटर के बीच वाला पोर्शन, जहां पे गर्मी ज्यादा गिरती है, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल लुक एट, बिकॉज ये गर्मी वाला क्रॉप है, इसको कम से कम तापमान कितना चाहिए, 20 डिग्री। 20 डिग्री के ऊपर होगा तो चलेगा, बट 20 से कम नहीं चलेगा, उसको गर्मी चाहिए क्रॉप को ग्रो करने के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है हाई मेंटेनेंस क्रॉप है। हाई मेंटेनेंस किस तरीके से, कि इसको जो सॉइल चाहिए वो भी सबसे बेस्ट क्वालिटी सॉइल चाहिए, उसको एल्यूवियल सॉइल चाहिए, उसको बारिश चाहिए तो बहुत ज्यादा बारिश चाहिए, उसको मोर देन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश इसको चाहिए। एंड हाई मेंटेनेंस एक और रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग लगते हैं फार्मिंग करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे राइस को ग्रो करने में बहुत ह्यूमन एफर्ट जाता है, तो ये बहुत एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप बोला जाता है, कि जितने लोग हमें एम्प्लॉय करने पड़ते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से इसको हाई मेंटेनेंस क्रॉप भी बोला जा सकता है, पानी ज्यादा लेता है, सॉइल भी सबसे बेस्ट चाहिए, लेबर भी बहुत कंज्यूम करेगा, राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम लोगों ने क्रॉपिंग रिक्वायरमेंट्स जो है उसको समझ लिया। अब ये जो क्रॉप हमारा है पैडी, उसको कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर ओवरऑल इंडिया की बात कर ले तो हमारे पास 3 स्टेट्स है जहां पे बहुत ज्यादा नेचुरली फीजेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल है। जैसे अगर हम लोग वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश की बात करें, ये सारे के सारे रीजन्स जो है, दीज आर नियर कोस्टल रीजन्स, तो यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। मोर ओवर यहाँ पे दीज आर लेबर सरप्लस एरियाज, तो यहाँ पे आपको लेबर भी बहुत आसानी से मिल जाता है, सस्ते दामों पर मिल जाता है, राइट। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये रीजन्स वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, इन तीनों जगह पे राइस कल्टिवेशन या पैडी कल्टिवेशन बाय नेचुरली अच्छे से होता है। बट क्या इसका मतलब ये है कि इन एरियाज को छोड़ के बाकी जगह पे हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, तो यहाँ पे अगर हम लोग जो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट है मोर देन 100 सेंटीमीटर्स वाली, अगर वो फुलफिल कर दें, तो हम लोग यहाँ पे भी, इन स्टेट्स में भी राइस ग्रो कर सकते हैं, पैडी ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करते हैं, यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स यहाँ से फ्लो करती है, तो एज ए रिजल्ट उनको कल्टीवेशन में इरिगेशन देने के लिए कोई दिक्कत नहीं आता। सो एज ए रिजल्ट इरिगेशन के साथ हम लोग पंजाब, हरियाणा और यूपी में राइस या पैडी ग्रो कर सकते हैं। बट बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग सस्टेनेबल तरीके से फार्मिंग करना चाहते हैं, सो हम लोग पानी को भी कंजर्व करना चाहते हैं, तो कंजर्व वाटर फॉर दिस हाई मेंटेनेंस क्रॉप हम लोगों ने यूज करना क्या शुरू कर दिया, वी हैव स्टार्टेड टू यूज स्प्रिंकलर इरिगेशन। ज्यादातर पूरे पूरे के पूरे फील्ड को पानी से फ्लड करने के जगह पे हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करेंगे, तो कम पानी में क्रॉप की पूरी रिक्वायरमेंट आसानी से फुलफिल हो जाएगी, राइट। अब बिकॉज आप जीएसईबी के स्टूडेंट्स हो, आपको ये चीज ज्यादातर ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपार्ट फ्रॉम द क्रॉप ग्रोइंग इन ओवरऑल इंडिया, गुजरात में कौन से रीजन्स में पैडी कल्टीवेशन होता है, राइट। सो इफ यू लुक एट गुजरात, तो अहमदाबाद, आनंद, सूरत, वलसाड, ये सब जगह है जहां पे पैडी ग्रो होता है विद इन गुजरात, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी क्रॉप स्टडी करो, आपको देखना है कि इंडिया लेवल पे कहां पे ग्रो हो रहा है और गुजरात लेवल में कहां पे ग्रो हो रहा है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, एरियाज ऑफ कल्टीवेशन, और एरियाज ऑफ कल्टीवेशन में इंडिया में कहां पे और गुजरात में कहां पे, ये आपका एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए हर आंसर का, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, विच इज अबाउट व्हीट। अब व्हीट जो है, इसको हम लोग किंग ऑफ ग्रेन्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस क्रॉप है। आफ्टर राइस, आफ्टर पैडी, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर आर कंट्री। और जिस तरीके से राइस जो था वो 1/4 एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑक्यूपाई करता था, सेम तरीके से व्हीट जो है ये 1/3 एरिया ऑक्यूपाई करता है। अब एक चीज थोड़ा सा समझना है, 1/4 जो होता है वो 25% होता है, बट 1/3 जो होता है वो 33.33% होता है। इसका मतलब जितना हमारे फार्म लैंड में राइस ग्रो होता है ना, उसके कंपेरिजन में ज्यादा व्हीट ग्रो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? 1/3 इज 33%, तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। तो हमारा जितना भी लैंड ऑक्यूपाइड है, उसका 1/3 रीजन एग्रीकल्चर में व्हीट कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्यों हुआ, इतना ज्यादा व्हीट को इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, क्योंकि 1960s में ग्रीन रिवोल्यूशन नाम का एक प्रोग्राम आया था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने मॉडर्न टाइप की सीड्स लाए, इरिगेशन फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज, अच्छे खासा हम लोगों ने फोकस दिया था व्हीट कल्टीवेशन के ऊपर। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, हम लोग, हमारा व्हीट प्रोडक्शन पहले जितना था उसके कंपेरिजन में डबल कर चुके हैं,
राइट। सो एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट के काफी ज्यादा प्रोग्राम्स ने, ग्रीन रिवोल्यूशन ने काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है वीट कल्टिवेशन के ऊपर, राइट। अब ये वीट जो है इसका जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं देखने जाओगे ना तो राइस से एग्जैक्ट मिरर इमेज है, उल्टा है, राइट। जैसे हम लोग वीट के बारे में बात करते हैं तो जैसे राइस हमारा खरीफ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल जोन था, टॉरिड जोन था, ये उससे उल्टा है। दिस इज अ रबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन, मतलब ये ट्रॉपिक के ऊपर वाले दिशा में है, राइट। सो इट्स अ रबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। इसको जो सॉइल लगती है इट रिक्वायर्स ब्लैक एंड लोमी सॉइल, तो ये इतना हाई मेंटेनेंस नहीं है जितना हमारे लिए राइस था। राइस को सिर्फ एल्यूवियल सॉइल लगता था जबकि इसको ब्लैक एंड लोमी सॉइल से भी काम चल जाता है। इसको रेनफॉल में भी इतनी ज्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं है, इट कैन डू विद 75 टू 100 सेंटीमीटर्स, बट अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई तो वीट ग्रो नहीं हो सकता, ये समझ लेना है। इसको बारिश ज्यादा नहीं चलेगी, 75 टू 100 के रेंज में ही इसको बारिश चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट वीट इज, जिस तरीके से राइस में ज्यादा लेबर चाहिए था, लेबर इंटेंसिव था, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे वीट में लेबर बहुत कम लगता है, और उसके पीछे का रीजन है, जब से ग्रीन रिवोल्यूशन आया तब से हम लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच अपना लिया था, तो हम लोग काफी ज्यादा मशीन्स के साथ वीट का फार्मिंग कर रहे हैं। तो जब मशीन ज्यादा है तो क्या इंसान की जरूरत पड़ेगी? नहीं। एज अ रिजल्ट बिकॉज वी हैव अ मैकेनाइज्ड फार्म, बिकॉज वी हैव ट्रैक्टर्स, वी हैव थ्रेशर्स, वी हैव हार्वेस्टर्स, हमारे पास नए नए मशीन्स हैं, इसके वजह से हमें वीट में लेबर कम लगता है, राइट। तो ये होगी इसकी क्रॉपिंग रिक्वायरमेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द एरियाज ऑफ कल्टिवेशन। अब इंडिया में जो हमारे तीन स्टेट्स है ना, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये तीन जगह मिलाकर 2/3 ऑफ टोटल वीट प्रोडक्शन बना देते हैं, और ये वही रीजन्स है जहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे पहले इनिशिएट किया गया था। तो इस वजह से इन एरियाज में वीट का कल्टिवेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादातर जगह पे आपको वीट कल्टिवेशन ही देखने मिलेगा। मोर ओवर, जैसे मैंने आपको राइस डिस्कस करते वक्त भी कहा था, इन एरियाज के अंदर हमारे पेरिनियल रिवर्स ऑफ हिमालयाज जो है वो फ्लो करते हैं, हिमालयन पेरिनियल रिवर्स यहाँ से आ जाती है, तो बाय डिफॉल्ट इरिगेशन की तो दिक्कत ही नहीं है। तो बिकॉज दे हैव अ गुड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, देर इज गुड कनाल सिस्टम, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है क्रॉप की वो आसानी से पूरी हो जाती है। इनफैक्ट हम लोग पंजाब को तो वीट बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, राइट, बीट ट्रू ऑफ फॉल्स और बीट फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये चीज ध्यान रखना है कि पंजाब को हम लोग वीट बोल ऑफ इंडिया बुलाते हैं, राइट। हमारे और भी स्टेट्स है जहां पे हम लोग ग्रो करते हैं, बट अगर आप इंडिया लेवल पे बात करो तो आप ये तीन स्टेट्स का एग्जाम्पल दे दोगे तो आपके लिए काफी रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग एरियाज ऑफ कल्टिवेशन इन गुजरात में। गुजरात में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीट है वो बहुत फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं भालिया वीट। इसके बारे में मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट हमें एक चीज ध्यान रखना है कि गुजरात के भाल रीजन में भालिया वीट नाम का एक वेराइटी है जो बहुत यूजफुल है, जो बहुत माना जाता है, राइट। उसके अलावा इन गुजरात वी हैव रीजन्स लाइक राजकोट, मेहसाणा, जूनागढ़ एंड खेड़ा, जहां पे हम लोग वीट प्रोडक्शन भी करते हैं, जहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो वीट के ग्रोथ के लिए सूटेबल है, राइट। सो विद दैट वी हैव कवर्ड वॉट एवर वी हैड टू इन दिस पर्टिकुलर क्लास। अगले सेशन में वी आर गोना लुक एट, वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट कोर्स ग्रेन्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, राइट। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।